तो कैसे हो आप लोग। तो वेलकम बैक टू माय चैनल 22 ब्लॉग। तो गाइस आज है 5 मई 2021 और सुबह का 8 बजे रहेगा। सुबह उठ गया था 5 बजे क्योंकि वहाँ पे लोग आटा लेने के लिए 5 बजे आ जाते हैं। और गाइस मेरे को आज चक्की चलाते चलाते 12-11 बज जाता है और फिर लेट सोता हूँ और जल्दी उठ जाता हूँ तो थोड़ा सा नींद दिखेगा आँखों में। और चक्की का हालत इतना ख़राब हो गया बारिश की वजह से, कीचड़ ऊचड़ आटे वाटे सब इधर उधर फैले हुए हैं। तो गाइस वो करना है अभी साफ़ सफाई। और मैं हूँ अपने ऑफिस में, मतलब मैं अपने रूम में। इस रूम का ब्लॉग आप लोगों ने नहीं देखा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, जाके ज़रूर देख लेना। आज है मेरी भतीजी का बर्थडे, 5 जून 2020 को उसका डेट ऑफ बर्थ है और आज घर में बर्थडे भी है। तो कोविड की वजह से ज़्यादा लोग तो नहीं है इनवाइट, घर के फैमिली मेम्बर है कुछ लोग, तो गाइस उनके साथ ही बर्थडे मनाएंगे। आज का दिन बहुत स्पेशल होने वाला और बहुत बिजी रहने वाला क्योंकि इतने सारे काम हैं मेरे पास आज, पता नहीं क्या होगा। एक तो नींद लग रहा है, सो नहीं पाऊंगा दिन में, और काम बहुत सारा है। ज़्यादातर काम तो साफ़ सफाई का ही है। घर में कोई फंक्शन हो, बिजी होना तो आम बात है। तो आज मैं बहुत बिजी रहने वाला हूँ। तो A few inches later. तो गैस आ चुके हम चक्की वाले रूम में और गैस चक्की वाले रूम में बिल्कुल कचरा हो चुका है। और आप लोगों ने पहले का ब्लॉग देखा होगा, नहीं आप लोगों को पता होगा कि मैं कितना साफ सफाई रखता हूँ। चक्की वाला रूम हमेशा क्लीन रहता है और आज देखो सोफे पे कचरे रखे हुए, नीचे मक्का रखा हुआ, जो मक्का काट के लाया उसका ब्लॉग नहीं देखा तो कल परसों ही डाला मैं, आप लोग जाके देख लेना। ये सब मक्का कट्टे में भर भर के रखा हुआ है। और इधर देखो चक्की के रूम, इधर भाई कितने आटे पड़े हैं ऐसे वैसे। फिर भाई पूरी साफ़ सफाई करना है, फिर घर की है, फिर फंक्शन की तैयारी करना है। तो अभी 8 बजे सुबह का और फटाफट से 1-2 घंटे में निपटा के साफ़ सफाई करके भाई बर्थडे की तैयारी में लग जाता हूँ। बहुत बिजी रहने वाला हूँ, अभी करते हैं साफ सफाई। और ये कुछ कट्टे भी हैं अभी पीसने के लिए, तो 1 घंटा इनको भी देना है। 1 घंटा तो नहीं, 1/2 घंटे लग जाएंगे पीसने में। 50-60 किलो है तो इसको भी पीस देता हूँ अभी। और फिर उसके बाद साफ सफाई करते धोना है क्योंकि जो बारिश हुई थी ना, तो जब बारिश होती है इधर भी कीचड़ हो जाती है। और फिर जब अंदर जाते हैं सब मक्के गेहूँ लेके तो ऐसे कीचड़ लग जाते हैं और फिर यहाँ चिपक जाते हैं फर्श पे। और इधर देखो आटा, ये सब साफ सफाई। इसको धोऊंगा आज अच्छी तरह धोऊंगा। ये पीसने हैं, दो उधर रखे, ये पीसने हैं, ये पीस देता हूँ और फिर साफ सफाई करता हूँ जम के। One week later. तो गाइस कैसे हो आप लोग। तो आज है 10 मई 2021 और मेरा किस्मत आजकल बहुत ख़राब चल रहा है क्योंकि जिस दिन मेरी भतीजी का बर्थडे था कुछ ब्लॉग बनाया मैंने उस दिन, और उसके बाद मेरा फ़ोन ख़राब हो गया था, उन्हीं नहीं हो रहा था। और अभी ठीक करवा के लाया हूँ आज दोपहर में और अभी शाम को मैं ये वाला वीडियो शूट कर रहा हूँ। भाई ने और जो मेरे चाचा ने वीडियो बनाया था उनसे मैंने वीडियो ले लिया है बर्थडे का, और वही वाला अभी दिखाऊँगा जो कुछ उन्होंने बनाए। मैं बनाता तो यार अच्छा बनाता है यार, सिनेमैटिक शॉट पता नहीं क्या 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 सपने होते हैं, लेकिन क्या बताऊँ कभी पूरा हो जाता है कभी कभी नहीं होता है, तो ऐसे तो चलता ही रहेगा। तो गाइस देख लो ये वाली वीडियो, फिर मिलता हूँ एंड में। तो गाइस कैसी रही बर्थडे की वीडियो। ये है चक्की का रूम, अभी बारिश होने वाली है, बाहर सारे सामान मैंने अंदर कर दिया, ऐसे ही लगा दिया हूँ बारिश की वजह से क्योंकि ये बाहर रहते थे। पीस रखे वो रखे हुए हैं, ये सब पीसने के लिए बचे हुए हैं किधर, यहाँ इधर इधर ये सब पीसने हैं यहाँ से लेके, अरे यार होता नहीं, यहाँ से लेके यहाँ तक पीसने हैं। और गांव में एक सीन बहुत ख़राब चल रही है यार, जब भी मैं चक्की चलाता हूँ ना लाइट काट लेती है। अब 1 घंटे चक्की चलाऊंगा जिसमें से 2-3 बार लाइट काट लेते 1 घंटे में, और कभी कभी तो ऐसे जाता हूँ वहाँ पे चलाने के लिए लाइट कट जाती है। इतना मूड ख़राब होता है ना लाइट को देख के यार, लाइट का यार सीन सही हो जाए इंडिया में तो यार सही है। मतलब मेरे को तो बहुत ही नुकसान हो रहा है कि बार बार मेरे को ना चक्की, मतलब पीसते टाइम चक्की बंद हो जाती है लाइट की वजह से। फिर जो प्रेशर देता हूँ यहाँ से
आटा पीसने के लिए उसको तोड़ना पड़ता है, जो आटा मोटा होता है उसको अलग डब्बे में निकाल के फिर दोबारा डाल के पीसना पड़ता है। तो यार एक बार लाइट कटने से मेरा 10-5 मिनट का काम बढ़ जाता है। फिर मैं ये सब करके दोबारा चलाता हूँ, फिर लाइट काट लेते हैं। पता नहीं भाई क्या काटना और देना लाइट, मतलब ज़्यादा देर के लिए नहीं काटते, ऐसा काटेंगे 5 मिनट में फिर दे देंगे, कभी कभी तो काट के और जस्ट 10 सेकेंड में दे देते हैं। पता नहीं क्या करते भाई लाइट काट के, तो चक्की लाइट से तो और परेशान हूँ। गाइस बर्थडे वाली वीडियो कैसी लगी, और उसमें मेरी भतीजी भैया भाभी थे। 12 सेकेंड्स लाइट, कितनी तेज़ हवा चल रही है देखो। देख रहे हो कितने हवा में, हवा मतलब तेज़ है, मतलब तूफान में जैसी नहीं है, और बारिश होने लगी है। ये देखो गीले गीले से हो गए, मैं कैसे बताऊँ, कैमरा कर दूँ बारिश में, लेंस पे पानी गिरेगा। तो बाहर बारिश शुरू हो चुकी है और अंदर तक पानी आ रही है। ये देखो गाइस यहाँ तक पानी आ रही है बाहर से हवा के द्वारा। अब देखो गाइस पूरी गीली हो चुकी है, बारिश तो तेज़ नहीं है, पर ये लड़की मक्के लेके आ रही है बारिश में। गीली हो चुकी है, मेरा नहाने का मन कर रहा है, नहा लूं। वो देखो दीदी घास लेकर आ रही है बारिश में। A few inches later, चक्की चालू कर रखा है और अकेला हूँ मैं चक्की पे, और उधर से आटा निकलती है। ये देखो बैक कैमरा। तो गाइस देखो चक्की चालू है और इधर से गेहूँ गिर रहा है, यहाँ से निकल के ऐसे जा रहा है, और इधर Years later. Guys, अभी रात के 10:30 बज गए हैं। थोड़ी देर पहले मैं चक्की बंद करा हूँ, ये सब कट्टे पीसा मैंने आज, और इधर भी रखे हुए हैं। तो लाइट के कारण मैं बता रहा था ना पहले भी कि लाइट की प्रॉब्लम बहुत रही, शाम को इतने परेशान किया लाइट ने, लाइट दे रहा था फिर काट रहा था, दे रहा था काट रहा था। देखो ज़्यादा टाइम नहीं लगता पीसने में, बट ये लाइट वाले हैं ना भाई इतने परेशान करते हैं शाम के टाइम, भाई चक्की बंद करो चालू करो बंद करो चालू करो बंद करो चालू करो, यही चलता रहता है। जहाँ मेरे को 2 घंटे लगते हैं इन सबको पीसने में, वहाँ इन्होंने भाई 4-5 घंटे लगवा दिए, क्योंकि लाइट दे के फिर आधे घंटे के बाद फिर दे रहे, फिर 10 मिनट के बाद फिर दे रहे, यार ऐसे कर करके भाई मूड ख़राब कर दिया। चलो काम हो गया, और जिनका ये आटा है सुबह ले जाएंगे, क्योंकि ज़्यादातर कट्टे ऐसे ही आए क्योंकि हमारे घर में आटा नहीं है, आप पीस देना कैसे भी करके रात में, तो भाई छोड़ तो सकता नहीं था क्योंकि उनके घर में आटा नहीं, फिर मांग मांग के रोटी बनाते। तो पीसना पड़ता है, चाहे रात के कितने भी हो जाए, रात को ख़त्म करके ही सोता हूँ। और जैसे शहर में आटा मिल जाता है ख़रीद के बना सकते हो, लेकिन यहाँ गांव में कोई साधन नहीं है भाई, कोई आटा बेचता ही नहीं है, खुद पिसवा के खाते हैं, खेत में उगाते पिसवा के खाते हैं। अगर आप लोग कुछ खरीद यहाँ पे कोई ख़रीदेगा भी अभी मिलेगा भी, तो गेहूँ मिलेगा, आटा कोई बेचता ही नहीं है, तो ये सीन है भाई। तो इसीलिए आटा जिनके घर में नहीं है उनको पीस के देना ही पड़ता है। तो चक्की बंद कर दिया हूँ अभी, और मेरा भाई उधर सो गया है, और मैं भी जा रहा हूँ अब सोने, और ये वीडियो एडिट भी कर दूँगा, कल आ जाएगी आप लोग देख लेना। तो आप लोगों की ये ब्लॉग कैसी लगी नीचे कमेंट में बता देना, लोग अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना, क्योंकि आप लोग सपोर्ट करते हो तो मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है वीडियो बनाने में, और ब्लॉग बनाने का मन करता है और ज़्यादा मोटिवेट होता हूँ मैं। तो गाइस ऐसे ही प्यार दिखाते रहो, और ये ब्लॉग करता हूँ यहीं पे एंड, मिलता हूँ अगली ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय टाटा, खत्म, बाय बाय टाटा, गुड बाय।